वाईदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब हिंदुत्व नजरिया जो है, जो मोदी हुकूमत ने एक नजरिए के तहत हुकूमत की है, उसे परवान चढ़ाने की कोशिश की पूरे भारत के अंदर। अब उसी नजरिए को लॉन्च किया गया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में। ये जो वहां पे एक्ट नया नाफिज किया गया, कानून को तब्दील किया गया, तो उसके तहत भारत को मजीद आगे बढ़कर कौन से इकदामात उठाने होंगे? अभी तक की इत्तला क्या है कि कौन से इकदामात उठाए जा रहे हैं उनकी जानिब से, और उन इकदामात का जवाब कश्मीरी किस तरीके से देने के लिए पुरअज़्म? देखें, भारत ने यासर जो कर सकता था वो कर दिया। कश्मीरों के घर जलाए, कश्मीरी ख़वातीन की असमत जदी की, कश्मीरी नौजवानों को कत्ल किया गया, कश्मीरी बच्चों को माजूर बना दिया गया, कश्मीरियों से उनकी जायदादें छीन ली गई, कश्मीरियों को घरों के अंदर पाबंद सलासल कर दिया गया। मगर ये सब कुछ इंतहा होती है, किसी चीज़ की आखिरी हद होती है। इसके बाद भी वो उस तहरीक को नहीं रोक सके। आज भी कश्मीर के लोग पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं, आज भी कश्मीर के गली मोहल्लों से आज़ादी की आवाज़ें आ रही हैं, आज भी इन्होंने कई घरों को मस्मार किया है, कई घरों को जलाया है, 3 ख़वातीन की लाशें मिली हैं। इन तमाम हालात के बावजूद भी, इन तमाम वाक़यात के बावजूद भी वहाँ पे आज़ादी की तहरीक कम नहीं हो सकी। भारत इससे आगे जो कर सकता है वो कर ले। इसराइल के लोगों को उसने वहाँ पे लाके बिठा दिया है, पूरी दुनिया से लोगों को वहाँ पे लाके बिठा दें ना, वो वहाँ पर से आज़ादी की तहरीक को ख़त्म कर सकते हैं। और जिस तरह अभी सदर साहब ने कहा कि बिल्कुल अब दुनिया जो चाहती है, अब कश्मीर का वही हल होगा कि कश्मीर बज़ोर ताकत जो है अब लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप भारत को ये कहें कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर डाल के आप भारत से कुछ ले सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। भारत किसी इंटरनेशनल कुव्वत को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो आप किस तरह समझ सकते हैं कि भारत किसी इंटरनेशनल प्रेशर से? अब भारत के साथ जंग की महाज ही होगा, जंग से ही हम ये कश्मीर हासिल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है इसी तरीके से करना चाहिए। बल्कि मैं सरदार साहब से ये दरख्वास्त करूँगा, सरदार साहब ये तो बता दें कि आपको लोगों ने कहा पूरी दुनिया में कि बिल्कुल अब हमें ताकत के साथ जवाब देना होगा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत तो तैयारी करके बैठा हुआ है, हमारे जवान भी तैयार हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई मार्ग ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें इंशाल्लाह ताला आज़ादी का परचम जो है वह लहराएगा? देखिए, दो इम्कानात हैं। एक तो ये है कि जंग का खतरा मंडला रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लीडर और उनकी मिलिट्री कमांड जो है आए दिन पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान को धमकियां देते रहते हैं। तो इसलिए, और ये भी वो कहते हैं, ये इशारे करते हैं कि जी हम जंग के लिए तैयार हैं, जंग करने वाले हैं, जंग करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे। एक ये है। दूसरा ये है कि जब आप किसी के घर पर जा ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जब आप 1,40,00,000 लोगों को जबरन गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं और महाराजा के ज़माने में जो हुकूक थे वो भी उनसे छीन रहे हैं, यानी ये 1927 से पहले के दौर में उनको वो ले गए हैं, तो उसके बाद वहाँ जो है मज़ाहमत ज़रूर होगी। और नहीं रोक सकते कि जनाब वो अंदरूनी मज़ाहमत होगी और है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि वो इसको नहीं रोक सकते। ये एक फितरी अमर है कि जब बाहर से हमला आवर कौमें आती हैं और उनकी अफवाज जो है वो इस चीज़ तहतेक करना शुरू कर देती हैं लोगों को और उनकी आबादियों को बर्बाद करना शुरू कर देती हैं, तो वहाँ मजाहमत होती है और उस आबादी का हर फर्द जो है वो खड़ा हो जाता है अपने हकूक के तहफ़ के लिए, अपने वतन की हिफाजत। कश्मीर में भी यही होगा। और हिंदुस्तान की ये गलत फहमी है, यानी आज तक 72 साल की जो उनकी पॉलिसियाँ थी, मक्काराना पॉलिसियाँ थी, उनकी वजह से तो वो कदम जमा नहीं सके। अब वो समझते हैं कि इन सफाकाना पॉलिसियाँ जो भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व की जो सफाकाना पॉलिसियाँ हैं, इनसे किसी तरीके से वो वहाँ जो है कश्मीरियों से दिल जीत सकते हैं या उनको जबर के जरिए खामोश कर सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक और सवाल जो आपने पहले उठाया था यासर साहब ने, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी हिंदुस्तान ने न सिर्फ कश्मीर के ऊपर जुल्म किया बल्कि अपनी मुसलमान आबादी के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया है। और
जो कश्मीर पहले जो है, ये कोविड-19 से पहले की बात ये है कि जो पहले कश्मीर कश्मीर था, ये पूरे का हिंदुस्तान, हर शहर कश्मीर बन गया। जो नारा पहले कश्मीर में बुलंद होता था, वो हर हिंदुस्तान के स्टोर्स में बुलंद होना शुरू हो गया। तो अभी ये हो गया है, यानी ये चैलेंज जो है मुसलमानों के लिए भी है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी है, आलमी बरादरी के लिए भी है जो उम्मत मुस्लिमा से बाहर हैं, कि फासिज्म सर उठा रहा है और ये एक नया चैलेंज है। ये इस सदी का फासिज्म है, हिंदुत्व जो ये मजहबी बदतरी पे यकीन रखता है।